फिल्मों से अलग जिस तरह से वेब सीरीज में कुछ बेहतरीन कंटेंट्स देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से आज एक बड़ी ऑडियंस वेब सीरीज की तरफ अट्रैक्ट होती दिख रही है। इस बेहतरीन कंटेंट की श्रेणी में एक और वेब सीरीज पिछले दिनों रिलीज हुआ है, जिसका नाम है पंचायत। कुछ अच्छे वेब सीरीज बनने के बाद भी इन पर वल्गैरिटी का एक ठप्पा जरूर लगा रहता है, जिसे रियलिस्टिक का नाम दिया जाता है। आज की वेब सीरीज में ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन वल्गैरिटी और खून खराबा इनका एक हिस्सा ज़रूर होता है। ऐसे में पंचायत एक ऐसी वेब सीरीज है, एक ऐसी कहानी है जो एक एग्जाम्पल सेट करती है कि बिना गाली गलौज, बिना वल्गैरिटी और इवन बिना किसी रोमांस के भी एक साफ सुथरे, दिल को छू लेने वाली मीनिंगफुल कहानी दिखाई जा सकती है। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज पंचायत। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। पंचायत के स्टार कास्ट की बात करें तो पिछले कुछ वक्त से लगातार अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते आ रहे जीतेंद्र कुमार एक बार फिर से इस वेब सीरीज की लीड भूमिका में नजर आए हैं। इनके अलावा रघुबीर यादव, नीना गुप्ता जैसे कुछ बेहद टैलेंटेड एक्टर्स का जमावड़ा इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है। एक फिल्म या वेब सीरीज में हम अक्सर एक लीड एक्टर एक्ट्रेस की बात करते हैं जिनके ऊपर पूरी कहानी फोकस्ड होती है, लेकिन इन दिनों कुछ ऐसी कैरेक्टर बेस्ड फिल्में बननी शुरू हो चुकी हैं जहां कैरेक्टर आर्टिस्ट को फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिया जाने लगा है। इसी श्रेणी में इस वेब सीरीज पंचायत को भी रखा जा सकता है। जीतेंद्र कुमार कहने को इसके लीड रोल में हैं, लेकिन एक्चुअली में इस कहानी की कमान रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, फैसल मलिक और चंदन रॉय जैसे एक्टर्स के कंधों पर भी बराबर है। यहाँ किसी को लीड एक्टर कहना गलत होगा, बल्कि कई बार ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कहानी किस किरदार के इर्द गिर्द ज़्यादा घूम रही है। जीतेंद्र कुमार से कहानी की शुरुआत ज़रूर होती है, लेकिन गांव की प्रधान के किरदार में ये कहानी कभी नीना गुप्ता पर केंद्रित हो जाती है तो कभी लगता है जैसे पूरी कहानी की बागडोर प्रधानपति यानी रघुबीर यादव के कंधों पर है। वहीं चंदन रॉय की काबिलियत कभी कभी उन्हें भी इस कहानी के एक प्रमुख किरदार के रूप में उभारने का काम करती है। कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले यानी पूर्वांचल की, जहाँ का कल्चर, रहन सहन सब कुछ बिहार के कल्चर से काफ़ी मिलता जुलता है। शादी विवाह, समारोह, पॉलिटिक्स सब कुछ बिहार जैसा ही है, क्योंकि ये यूपी और बिहार के बॉर्डर का इलाका है। चंदन रॉय और इस वेब सीरीज में एक अहम भूमिका निभाने वाले एक्टर फैसल मलिक दोनों इससे पहले गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं, जो कि बिहार के कल्चर को काफ़ी करीब से दिखाती है। यहाँ इस वेब सीरीज में भी इन दोनों ने बड़ी बारीकी से इस चीज़ को अडेप्ट किया है। अपने काम से खुश ना रहने वाले अभिषेक त्रिपाठी एक महत्वाकांक्षी युवक हैं जिसके सपने बड़े हैं, जिंदगी के मकसद बड़े हैं। वो अपने इस काम, सैलरी और गांव वाले जॉब से सेटिस्फाई नहीं हैं, इसलिए वो इस जॉब के साथ साथ MBA की तैयारी भी करते हैं ताकि उसे लाइफ में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। वहीं विकास यानी ऑफिस असिस्टेंट के किरदार में चंदन रॉय द्वारा बोले गए कुछ छोटे छोटे मीनिंगफुल डायलॉग्स आपको ये एहसास दिलाते रहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के किस इलाके में हो। नलके को कॉल कहना, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स कहना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया है। रघुबीर यादव एक महान एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सच है कि उनमें सामने वाले एक्टर को फीका कर देने की क्षमता होती है, एंड नो डाउट कई मौक़ों पर वो ना केवल फैसल खान, चंदन रॉय या जीतेंद्र कुमार पर भारी पड़ते दिखे, बल्कि कुछ सीन्स में वो नीना गुप्ता को भी पछाड़ जाते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच हम कंपटीशन नहीं कर सकते, बट रघुबीर यादव एक डिफरेंट अभिनेता हैं जो एक्टिंग की बारीकी को बखूबी समझते हैं। फैसल खान और चंदन रॉय ने बिहारी कल्चर और वहाँ की भाषा और उठने बैठने, इन सब पर काफ़ी अच्छी मेहनत की हुई है, तो इस पर उनकी मजबूत पकड़ साफ दिखती है। एक सिंपल से गांव की कहानी जिसमें बीच बीच में कुछ छोटे मोटे ट्विस्ट देखने को मिले, उसे इतने बेहतरीन तरीके से दिखाया जाना कि इसे देखते हुए कहीं बोरियत महसूस ना हो, तो ये वाकई में एक सफल निर्देशक की पहचान है। ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस सीरीज को बनाने के पीछे एक मजबूत टीम छिपी है, फिर वो डायरेक्शन की बात हो, राइटिंग की बात हो, डायलॉग्स की बात हो या फिर कैमरा वर्क की, सब ने अपने काम को अच्छे से निभाया है। जीतेंद्र कुमार ने पिछले कुछ वक्त से काफ़ी इम्प्रेस किया है, लेकिन पर्सनली अगर मैं उनकी एक्टिंग पर टिप्पणी करूँ तो मुझे लगता है कि वो एक पर्टिकुलर वे में एक्टिंग करते हैं। उनकी शॉर्ट फिल्म से लेकर उनके
फिल्म्स और वेब सीरीज में वो लगातार एक फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड इंसान का किरदार निभाते जा रहे हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि इन्हें किरदार ही ऐसे मिलते जा रहे हैं। हालांकि एक जैसे रोल में भी विविधता ढूंढी जा सकती है और वही एक अच्छे एक्टर की पहचान भी होती है। मुझे लगता है कि जितेंद्र में काबिलियत है और वो और ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। ये वेब सीरीज़ डिफरेंट इसलिए भी है कि इसमें कोई एक्ट्रेस नहीं है रोमांस के लिए, और उससे भी अचरक की बात ये है कि पहले ही एपिसोड में डायरेक्टर एक लड़की के होने की भनक ज़रूर दे देता है, लेकिन सीरीज़ के अंत तक उस लड़की को सामने लाया ही नहीं गया। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट कह सकते हो जो वाकई में काम कर गया। ऑडियंस को वेट रहता है कि एक लड़की आएगी, फिर जितेंद्र यानी अभिषेक त्रिपाठी का रोमांस दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं इस सीरीज़ में शादी वाले सीन्स पर भी बात की जानी चाहिए। जिस प्रकार से पूरे माहौल को क्रिएट किया गया, दूल्हे का रूट जाना, फिर उसे मनाने के लिए लड़की वालों का आना, फिर कुर्सी की डिमांड, ये सब कुछ एक टिपिकल पूर्वांचल में ही देखने को मिलता है। इससे ये भी कहा जा सकता है कि या तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कोई टीम मेंबर इसी इलाके का रहा होगा, या फिर उन्होंने इस एरिए पर अच्छी रिसर्च की होगी। आज के गाली गलौज और वल्गर वेब सीरीज़ के बीच ये एक बेहतरीन कहानी है जिसे फैमिली के साथ बैठकर देखा जा सकता है। हाँ, एक दो छुटपुट गालियाँ सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो तो प्रसाद जैसी लगेंगी। फील ही नहीं होगा कि कोई गाली दे गया अगर आप वेब सीरीज़ के दर्शक हैं तो। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए